नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो अब आज मैं पढ़ाऊँगी आपको हिंदी व्याकरण का संज्ञा। ठीक है बच्चों, संज्ञा हमने पहले भी पढ़ी है जिसे कि मैं फिर से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, भाव आदि का जिसका भी बोध यानी कि जिसका भी पता लगाया जाता है, पता चलता है, उन शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा के हमारे होते हैं तीन भेद। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का, किसी व्यक्ति का बोध किया जाता है, उसे हम, या किसी व्यक्ति के विषय में बताया जाता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, अब इसमें व्यक्ति ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो। ठीक है, मतलब जिसमें किसी स्थान का भी बोध कराया जाता है, जैसे कि देखिए नेहा, शीनू, दिल्ली और यमुना। ठीक है, ये क्या होंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको हम किसी एक को न करके हम उसका नाम रखा जाता है, जैसे नेहा, शीनू, दिल्ली और यमुना। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जैसे नदी, पर्वत और दवाई। ठीक है, हमने इसमें जैसे एक कोई दवाई का नाम नहीं दिया है, उसका कहा है उसकी जाति बताइए कि वो दवाई कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, दवाई। ठीक है, तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, जैसे ईमानदारी, मिठास और मधुरता। ईमानदार व्यक्ति का भाव होता है उसकी ईमानदारी। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अच्छा, और संज्ञा क्या और भी भेद होते हैं? ये तो हमारे तीन भेद हो गए। संज्ञा के अन्य भेद होते हैं कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्य हम सभी जानते हैं, तरल पदार्थ। ठीक है, उसमें कैसे आते हैं, कौन कौन से आते हैं? तेल, दूध, घी और सोना। तो ये कहलाएंगे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, अब आप सोचेंगे सोना द्रव्य कहाँ से हो गया? सोना को आपको पता ही है, उसको पिघलाकर फिर उसका रूप दिया जाता है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, जैसे पुलिस, परिवार, झुंड और सेना। समुदाय यानी एक पूरा समूह, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे समुदायवाचक संज्ञा। अब देखिए पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं, उसको एक जगह पुलिस, लेकिन उस पूरे समूह का नाम दिया जाता है पुलिस। परिवार, परिवार में हमारे कई सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन सबको अलग अलग नाम बोलते हुए एक परिवार नाम दे दिया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है समुदायवाचक संज्ञा। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब इसकी परिभाषा मैं आपको और अच्छी तरह से कॉपी में समझाऊंगी। ठीक है, हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको समझाया बोर्ड पर कि संज्ञा क्या होती है, ठीक है, और उसके भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको इसका विस्तार से बताऊंगी, उसकी परिभाषाएं समझाऊंगी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं देखिए आप। संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे नेहा, शीनू, दिल्ली और यमुना। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो कि किसी व्यक्ति के नाम, जैसे नेहा, है ना, स्थान का नाम, ठीक है, जैसे दिल्ली, ऐसे आदि का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा,
वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, दादाजी आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, अन्य उदाहरण क्या है। अब देखो, दादाजी एक जातिवाचक हो गए, कुत्ता एक जाति हो गई, ठीक है। यहाँ हमने ये नहीं कहा है कि किसके दादाजी, कौन से दादा, ये केवल दादाजी हैं, ठीक है। अन्य उदाहरण क्या हो गया, लड़के, पार्क, बच्चा और दवाई, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे ईमानदारी, मधुरता, लगन और मिठास। ईमानदारी मतलब किसी व्यक्ति के भाव, मतलब अगर ईमानदार व्यक्ति है तो अब उसके भाव क्या हो जाएंगे, ईमानदारी, ठीक है ना। और मधुर का हो जाएगा मधुरता, तो ये हमारे हो जाएंगे भाव। हाँ बच्चों, अब संज्ञा के अन्य भेद होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे संज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी तरल पदार्थ, ठीक है, जैसे पानी, चावल, तेल, दूध और चांदी। चांदी को हम पिघलाकर फिर उसका कोई रूप दिया जाता है, तो वैसे तो वो द्रव्य होता है ना। अब है ख समूहवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, परिवार, संसार, सेना, झुंड और भीड़। अब ये सारे एक समूह का बोध कराते हैं। तो देखिए, सेना है वो पूरा समूह है, लेकिन हम उसे सेना कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पुलिस, परिवार, संसार, सेना, झुंड और भीड़। भीड़ भी एक पूरी, बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, भीड़। तो मतलब ये हो गई समूहवाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं जो वर्क दूंगी उसे बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ बच्चों, आशा करती हूँ कि आज मैंने जो समझाया है संज्ञा के विषय में वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इस कार्य को, जो भी कार्य मैं आपको दे रही हूँ, उसे साफ साफ अक्षरों में अपनी नई HW कॉपी में कीजिएगा। धन्यवाद।